आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कराची के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो कि हाल ही में ओपन हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एंड इट्स टॉप ऑफ द टाउन सिंस इट्स ओपनिंग बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड एम्बियंस प्राइमरीली। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कराची की फेमस रेस्टोरेंट दी क्लॉक टावर। क्लॉक टावर बिल्कुल कराची में क्लिफ्टन बीच के साइड पे वाक़ है। एक ज़माने में ये डेड एंड हुआ करता था जिसके आगे कुछ भी नहीं होता था, और यहाँ पे बहुत फेमस लैंडमार्क था विलेज रेस्टोरेंट। विलेज रेस्टोरेंट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बफे रेस्टोरेंट इन कराची, एंड आई थिंक उन्होंने अपनी लेगेसी काफ़ी साल कंटिन्यू की, बट फॉर सर्टेन रीजन वो कंटिन्यू नहीं कर सके बिजनेस को और उनको शट डाउन करना पड़ा, और उसकी जगह पे ये कम्प्लीटली न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। एंड द फील द एम्बियंस इज जस्ट अमेजिंग। जिस तरह मुझे याद है बचपन में विलेज बड़ा ग्रैंड और बड़ा एक कहना चाहिए एक्सक्लूसिव किस्म का रेस्टोरेंट था, तो जैसी ही वाइब यहाँ पे भी है। देखते हैं खाना कैसा होता है, तब तक मैं आपको एक रेस्टोरेंट का एक क्विक टूर देता हूँ छोटा सा, स्टे कनेक्टेड। तो चलिए रेस्टोरेंट का टूर स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेकेंड फ्लोर पे बैठे थे और सेकेंड फ्लोर की ये एंट्रेंस है जहाँ से आप इस एरिया में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पे खुली हवा में समंदर किनारे बैठ के आप आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। PSL की वजह से यहाँ पे स्क्रीन भी इंस्टॉल थी, तो बहुत सारे लोग मैच देखने में भी इंटरेस्टेड थे, और जगह जगह ये हीटर इंस्टॉल थे जो कि इस पूरे माहौल को बहुत ज़बरदस्त बना रहे थे। इसी फ्लोर पे लाइव किचन भी है जहाँ से गर्मा गर्म खाना आपको राइट अवे सर्व कर दिया जाता है। इस फ्लोर के ऊपर रूफ टॉप भी था जो कि मैं नहीं देख सका, और कुछ इस तरह के नज़ारे थे सेकेंड फ्लोर से जहाँ बैठ के हमने अपना डिनर किया। आई एम श्योर कि शाम में ये जगह वाकई देखने से ताल्लुक़ रखती होगी, तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी हाई टी के लिए यहाँ ज़रूर प्लान करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बफे करें, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अलाकार्ट जिस तरह हमने सेकेंड फ्लोर पे किया। अब आपको लिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानब। ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एंट्रेंस है यहाँ के बैंक्वेट हॉल की। ये स्पेशल हॉल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे एंगेजमेंट की और इस तरह से और डिफरेंट सेरेमनीज करना चाहते हैं। यहाँ पे जूस और कॉफ़ी बार भी मौजूद था। रेस्टोरेंट के इंटीरियर की बात करें तो इन्होंने मॉडर्न और क्लासिक इंटीरियर का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है। रेस्टोरेंट में कई जगह आपको रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर की एक झलक भी दिखाई देती है। अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ से आप एंटर होके पहुँचते हैं सबसे पहले इस सेक्शन में जहाँ पे एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया बना हुआ है, साथ ही में रिसेप्शन काउंटर भी मौजूद है, और ये है इनका मेन डाइनिंग हॉल जहाँ पे वो लोग बैठते हैं जो बफे करने की नियत से आते हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों ही सेटिंग्स हैं, मगर रेस्टोरेंट चूँकि रिसेंटली ओपन हुआ है तो फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एडवांस में बुकिंग करवा लें। इट वॉज सो नॉइजी दैट आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन टू गो हेयर ऑन वीकेंड्स। बहुत से लोगों ने यहाँ पे बर्थडे पार्टीज और शादी की दावतें भी अरेंज की हुई थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ऐसे फैमिली डिनर्स होते हैं तो हॉल में कितनी खामोशी होगी। अब आपको लेके चलता हूँ मेन बफे एरिया में जहाँ पे सारे फूड काउंटर्स थे। हमने चूँकि अलग आर्ट किया था तो बफे के खाने के टेस्ट के हवाले से आई कैन नॉट कॉमेंट, बट काफ़ी ज़्यादा वेराइटी थी, चाइनीज, देसी, सी फूड, बारबेक्यू एंड वॉट नॉट। ये है क्लॉक टावर के ग्राउंड फ्लोर की आउटडोर सेटिंग। तो बफे पे आने वाले लोगों के लिए दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो वो डाइन इन कर लें या डाइन आउट कर लें, मगर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे आएं जो कि बिल्कुल बीच के साथ बना हुआ हो,
तो आइडियल यही है कि आप डाइन आउट का ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि समंदर किनारे खुली हवा में बैठ के लहरों के शोर के साथ खाना खाने की बात ही कुछ और है। शायद ये इसलिए भी कि मेरा नेचर के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहरहाल इट्स टोटली अप टू यू। अगर लाइटिंग की बात करें तो रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल की लाइट मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, इट कुड हैव बीन बेटर। हाउएवर आउटडोर सेटिंग की लाइटिंग काफ़ी मुनासिब थी। क्लॉक टावर रेस्टोरेंट के साथ ही बनी हुई है क्लॉक टावर बेकरी। इट इज राइट नेक्स्ट टू द मेन एंट्रेंस ऑफ द रेस्टोरेंट, जहां से आप मजेदार किस्म की केक्स, ब्राउनीज, कपकेक्स वगैरह बाय कर सकते हैं। ये स्टेक आ चुका है, इट्स कॉल्ड ट्विन स्टेक, जिसमें पैरागोन सॉस और मशरूम क्रीम सॉस इन्होंने ऐड किया हुआ है। सौदे वेजिटेबल्स में आई कांट सी एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर अनियंस एंड टोमेटोज एडिशनल सॉस। फ्राइज एंड हेयर इज आवर पास्ता। अल्फ्रेडो टाइप की चाहिए, इसका नाम बड़ा मुश्किल था, मुझे याद नहीं आ रहा। बस विदाउट एनी डिले वी विल हैव आवर डिनर। इट्स टाइम फॉर कंप्लीट रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। खाने के टेस्ट की बात करें तो आई विल गिव 7.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज मुझे लगता है स्टेक और पास्ता दोनों ही इससे बेहतर हो सकते थे। और अगर एम्बियंस और सर्विस की बात करूं तो मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। देयर स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड हम्बल। दिस इज इट गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप अप विद अशर।